हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो तारक मेहता का ओल्ड एस मैम है फाइनली ये गुत्थी सुलझ चुकी है कि जेठालाल के पास में जो इतने टाइम से कॉल्स आ रहे थे वो कॉल्स किसी और की वजह से बल्कि सुंदरलाल की वजह से आ रहे थे, क्योंकि सुंदरलाल के दोस्त भैलू ने सुंदरलाल के नंबर को जेठालाल के नंबर पर डाइवर्ट किया हुआ था। एंड इसीलिए सुंदरलाल के जो भी लेनदार थे उन सभी के कॉल डाइवर्ट होकर जेठालाल के फोन पर जा रहे थे। लेकिन गाइस, बहुत टाइम के बाद शो के अंदर सुंदरलाल की एंट्री हुई है, आई मीन दैट भी रिसेंटली। नवरात्रि के टाइम पर तो सुंदरलाल ने इस शो के लिए शूट किया था, लेकिन काफी टाइम हो चुका है कि यहाँ पे सुंदरलाल ने जेठालाल को तो चूना नहीं लगाया, लेकिन इस बार तो जेठालाल ने नहले पे दहला दे दिया। यानी कि जब सुंदरलाल ने उस आईफोन के पैसे जेठालाल से मांगे ताकि वो टैक्सी का भाड़ा पे कर सके, तो यहाँ पर जेठालाल ने सिर्फ टैक्सी के भाड़े के रुपए सुंदरलाल को दिए। एंड आप सभी को पता है ना कि सुंदरलाल और जेठालाल का इतिहास क्या रहा है। सुंदरलाल जब भी जेठालाल के पास में आया है उसने जेठालाल को कोई ना कोई बड़ा चूना जरूर लगाया, और ये बात कंफर्म है कि इस बार भी सुंदरलाल कोई ना कोई चाल चलने वाला है। एंड इस बार भी सुंदरलाल जेठालाल से कोई ना कोई बड़ा अमाउंट हासिल कर ही लेगा, क्योंकि सुंदरलाल के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज साफ साफ इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वो जेठालाल को एक बहुत बड़ा चूना लगाने वाला है। तो देखते हैं आखिरकार आगे सुंदरलाल की चाल क्या होती है। फिलहाल गाइस, आप बताइए कि अभी आने वाली स्टोरी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। गाइस, इस बारे में आपको जो भी कमेंट्स और रिव्यूज है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे।